जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। जयनगर में बनारस के तर्ज पर कमला आरती व दीपों की जगमगाहट से चहक उठा कमलांदी का तट। कमला आरती पूजा समिति जयनगर ओर से पर्णकुटी मंदिर जयनगर कमला तट पर कमला आरती व दीप महोत्सव कार्यक्रम आज सोमवार को बड़ी ही धूमधाम से किया गया। भक्तिमय भजनों पर श्रोता झूमने को मजबूर हो गए। बालक दास बाबा की देखरेख में माँ कमला का विविध पूजन अर्चना की गई। मंत्रोच्चारण के साथ लोगों ने माँ कमला की आरती की, वही उपस्थित श्रद्धालुओं ने दीप जलाए। दीपकों से मां कमला का आंचल कई घंटों तक अलौकिक छटा बिखेरता रहा। बता दे, पहली बार जयनगर में बनारस की तरह मां कमला की आरती पिछले सप्ताह गंगा दशहरा के दिन इसकी शुरुआत जयनगर में की गई थी। कमेटी के सदस्यों का कहना है, यह आरती कार्यक्रम प्रत्येक सप्ताह में सोमवार के दिन किया जाएगा। आज यह कार्यक्रम का छठा दिन था। समिति के सदस्यों ने लोगों के सुख समृद्धि व सलामती के लिए कमला मैया से प्रार्थना की। कमला आरती के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया गया। इस मौके पर जयनगर के नगर पंचायत के अध्यक्ष कैलाश पासवान, रेखा महतो, बालक दास बाबा, राजकुमार सिंह, धीरेंद्र झा, दिलीप महतो, राजेश गुप्ता, अमित मांझी, कृष्ण कुमार झा, रंजीत गुप्ता, पप्पू पूर्वे, दीपक खरगा, सूर्य नारायण पूर्वे, मनोज सिंह, जगदीश चौधरी, उत्तम लाल सिंह, सूर्य नारायण शर्मा, विनय कुमार सिंह, रमेश झा, वीरेंद्र यादव, मोहन राय, शकुंतला देवी, कामेश्वर विराजी, अनीता देवी, शोभा देवी, गंगा प्रसाद साह, बिंदे सदाय, केवल चौधरी, राम भरोष महासेठ, रामबहादुर यादव, प्रकाश महासेठ, लीला देवी, संजय गुप्ता, धनंजय मिश्रा, विशेश्वर विराजी सहित अन्य लोग मौजूद थे। मिथिलांचल के लोग कमला को छोटी गंगा भी कहते हैं। यह नदी नेपाल के हिमालयी क्षेत्रों से बहकर जयनगर बॉर्डर होते बिहार में प्रवेश करती है। मिथिलांचल के 10 लाख से अधिक लोगों के लिए कमला जीवनदायिनी है। हर साल कमला में आने वाली बाढ़ उपजाऊ मिट्टी लेकर भी आती है। महापर्व छठ से लेकर विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान कमला तट पर होते हैं। इसके अलावा सावन में एक माह तक श्रावणी मेला का आयोजन होता है। प्रदेश के अलावा नेपाल से भी श्रद्धालु कमला से जल भरकर प्रसिद्ध कपिलेश्वर स्थान में जलाभिषेक के लिए पैदल आते हैं। Yeah.
महत्वपूर्ण